छत्तीसगढ़ के नागलोक के रूप में पहचान रखने वाले जशपुर जिले में सांप की 29 प्रजातियां पाई जाती है। इनमें व्हाइट लिपट पीट वाइपर भी शामिल है। इस सांप का जहर इंसान के किडनी और लीवर को नुकसान पहुंचाता है, जिससे किसी की भी मौत हो सकती है। विषहीन सांप कॉपर हेड ट्रिंकेट भी जशपुर में पाया जाता है। यह सांप नाग की तरह फन निकालता है, जिससे इसके बेहद जहरीले होने का भ्रम होता है, लेकिन वास्तव में यह सांप विषहीन होता है। जिले में पाए जाने वाले सांपों की प्रजातियां की खोज शिक्षक केसर हुसैन और उनकी संस्था ग्रीन नेचर वेलफेयर सोसाइटी से जुड़े उनके साथियों ने की है। उनकी संस्था से 15 सदस्य जुड़े हुए हैं। इनमें से 10 सदस्य सांप रेस्क्यू अभियान से जुड़े हुए हैं। सर्प विशेषज्ञ कैसर हुसैन ने बताया कि सांप उन्हें बचपन से ही आकर्षित करते रहे हैं। छठवीं कक्षा में पढ़ने के दौरान उन्होंने घर में घुसे हुए एक सांप को मरते हुए देखा था। इस घटना ने उन्हें सर्प रेस्क्यू के लिए प्रेरित किया। DFO जितेंद्र उपाध्याय ने बताया कि जशपुर में सांप की संख्या बढ़ने का एक कारण प्राकृतिक फूड चेन का टूटना भी है। बीते कुछ सालों में बाज, चील, गिद्ध के साथ नेवलों की संख्या में कमी हुई है। इससे स्वाभाविक रूप से सांपों की संख्या में वृद्धि हो रही है। वहीं SP शशि मोहन सिंह ने बताया कि जिले में बीते साल 2023 में सर्पदंश से 36 और इस साल अब तक 14 मौतें हो चुकी है। निश्चित रूप से जशपुर जिला नागलोक के नाम से जाना जाता है और पिछले साल पूरे जिले में 36 मौतें हुई थी और इस बार अभी तक की संख्या 14 आई है। और हमारे इलाके में करैत सांपों की संख्या ज़्यादा है और उसका मेन कारण रहता है कि लोग जमीन में सोते हैं, तो प्रशासन का ये प्रयास रहता है कि लोगों को इसके लिए जागरूक किया जाए और जागरूकता के लिए एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। और निश्चित रूप से पहले की तुलना में अभी कमी आई है और हम लोग का ये प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में जन जागरूकता के माध्यम से इसमें और भी आगे काम किया जाए। जशपुर में सांपों की सबसे ज़्यादा प्रजाति छत्तीसगढ़ से पाई जा रही है। हमारे यहाँ अब तक सिर्फ रेस्क्यू में ही 29 प्रजाति के सांप देखे गए हैं और हमारा एक अंदाज है कि अगर किसी तरह का सर्वे होता है तो सांपों की 8-10 प्रजातियाँ बढ़ जाएंगी, क्योंकि कई सारे ऐसे सांप हैं जो रिहायशी इलाकों में नहीं आते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि सांप अधिक होंगे, हालांकि नाम नागलोक जरूर पड़ा है, यहाँ कॉमन करैत की अधिकता है। कॉमन करैत एशिया का सबसे जहरीला सांप है। देखिए, सर्वे तो विभागीय सर्वे तो नहीं हुआ है, लेकिन 2017-18 में यहाँ पे ग्रीन नोवा नेचर कंपनी करके प्राइवेट सोसाइटी है, उसके माध्यम से जहाँ भी रेस्क्यू होता है सांप, स्नेक बाइट के केस आते हैं यहाँ पे, जहाँ भी रेस्क्यू होता है घरों में घुस जाते हैं, रिहायशी या ऑफिस में या घरों में, तो उसका जो डाटा आया था और उसके हिसाब से लगभग यहाँ पे 29 प्रकार के पॉइजनस दोनों स्नेक्स पाए जाते हैं। हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, स्कूलों में, सभी जगह पूरे ब्लॉक में इनके द्वारा और वन विभाग के दोनों के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पे सारे लोगों को पॉइजनस नॉन पॉइजनस स्नेक की पहचान, इनके काटे जाने पे प्राथमिक उपचार करते हुए कैसे हॉस्पिटल पहुँचना है, इस सब के बारे में जागरूक किया गया।